इस व्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं खोड़ेश्वर और माता जी जाने वाले हैं। तो अभी तो हम खोड़ेश्वर आ चुके हैं, ये आप पूरी जगह देख सकते हैं। एक बार दिखा देना पूरी जगह खोड़ेश्वर की। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले अब मंदिर जाएंगे, फिर जाएंगे नहाने, वहाँ पे झरने वगैरह चलते हैं बहुत खतरनाक। तो हम वहाँ पे जाके नहाएंगे, किस प्रकार नहाते आप सभी को दिखाएंगे। और पहले हम जा रहे हैं डायरेक्ट मंदिर। ये गाइस आप देख सकते हैं ये पूरी पार्किंग है, यहाँ पे पार्किंग वगैरह की जाती है। और काफी धूप है, बहुत ही धूप लग रही है क्योंकि बादल थोड़े कम ही है, ज्यादा नहीं है बादल। और यहाँ की आप भीड़ देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक है, काफी मजा आ रहा है यहाँ पे आके। क्योंकि खोड़ेश्वर हम बहुत ही बार आए पर लेकिन आज तक कभी व्लॉग नहीं बनाया यहाँ का। यहाँ के आप पहाड़ देख सकते हैं, काफी सुंदर सुंदर पहाड़ है, काफी बड़े बड़े पहाड़ भी हैं। और दोस्तों इस तरफ एक वाटिका है, लवकुश वाटिका, आप देख सकते हैं एक बार इसको दिखा देना। ये क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हो? ये हम खा रहे हैं, काफी मजा आ रहा है। इसको दिखाना जरा, ये क्या कर रहा है? तो चलो खा लिया, चलो चलते हैं। खोड़ेश्वर महादेव का मंदिर है, उसको प्रसाद चढ़ाने के लिए हमने लिए प्रसाद, इसको चढ़ाने वाले जाके। बीच में ये पानी आ चुका है, पैर वगैरह थोड़े चप्पल के पैंट गंदा होने जाए, इसमें ऊपर कर लेते हैं। दोस्तों हम सोमवार के दिन आए थे, तो इस दिन क्या कहते हैं महादेव जी का दिन होता है, उस दिन भीड़ ज़्यादा होती है लोगों की दर्शन करने की। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अभी महादेव को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, ये हमने लेके डाल दी प्रसाद। और आप पीछे की ओर देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि सोमवार है, सोमवार के दिन ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। ये प्रसिद्ध और ये मंदिर है, ये पूरा अंदर तो हम नहीं जा सकते क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, लाइन बहुत लंबी है भक्तों की। नहीं तो हम अंदर जाके आपको दिखा दें कि किस प्रकार का मंदिर है ये। तो चलो अब हम लवकुश वाटिका की ओर प्रस्थान करते हैं। तो अब हम लवकुश वाटिका के अंदर हैं दोस्तों, ये आप पूरा ग्रीन देख सकते हैं, पूरा ये पूरा वन है। और ये इतना बड़ा है कि आप इसमें घूम जाओगे, अंदर गए तो पूरा घूम जाओगे अकेले। और यहाँ पर भालू वगैरह भी रहते हैं, वो थोड़ा इस साइड आते कम है क्योंकि यहाँ पे इंसानों की तादाद ज़्यादा है, उस वजह से यहाँ पे कम आते हैं। और दोस्तों ये जो रास्ता जा रहा है ये झरनों की तरफ जाता है, और हम झरनों की तरफ जा रहे हैं अब नहाने, क्योंकि यहाँ का फेमस नहाना है झरनों के अंदर। और सब लोग नहाने के लिए यहाँ पे आते हैं और महादेव जी के दर्शन करने के लिए भी आते हैं साथ में। दोस्तों रास्ता काफ़ी लंबा है और हम चलते चलते थक भी गए, क्योंकि करीबन 1 किलोमीटर तो हो गई जाने के लिए, क्योंकि 1 किलोमीटर मंदिर से चल के जाना पड़ता है उस झरनों की तरफ, क्योंकि वो दूर है थोड़े काफ़ी। दोस्तों हमने सोचा नहीं था कि आज इतनी गर्मी होगी, क्योंकि यहाँ पे आके हमको पता लगे गर्मी बहुत है यार। आप देख सकते हैं पूरा पसीना पसीना हो चुका है यार, अब परेशान हो गए इस गर्मी से। फिर भी हम आपको वीडियो दिखाने के लिए तो बना ही सकते हैं, क्या करें गर्मी लगे तो लगे। दोस्तों हमें पहला झरना मिल गया है, आप देख सकते हैं ये ऊपर पहाड़ों से पानी आ रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है नीचे। दोस्तों गर्मी की वजह से हम जल्दी जल्दी नहाने के लिए पानी के अंदर उतर गए, और आप देख सकते हैं सारे फ्रेंड मजे कर रहे हैं, और इस साइड से पानी फेंक रहे हैं, उस साइड से फेंक रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। इस साइड मजे कर रहे हैं, उस साइड मजे कर रहे हैं, सारे फ्रेंड यहाँ पे मिल के पानी के अंदर काफ़ी धूम मचा दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोग आ गए हैं, क्या कहते हैं अलग अलग गाँवों से आए हैं, अलग अलग शहरों से भी आए हैं। दोस्तों आप देखो यहाँ पे कितने लोग आके नहा रहे हैं, इस तरफ देखिए और इस तरफ देखो, काफ़ी लोग यहाँ पे, लोगों की कमी कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं नहाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ये प्रसिद्ध मंदिर है खोड़ेश्वर महादेव का। दोस्तों यहाँ पे पानी की गहराई मेरे कंधे तक ही है, और यहाँ पे कुछ लोग स्टंट करने वाले हैं अभी, दोस्तों पानी के क्या पत्थर के ऊपर से कूदने वाले पानी के अंदर, आप देखोगे अभी थोड़ी देर बाद।
तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे दिखाने के लिए इतना ही था, तो दोस्तों अब हम डायरेक्टली रवाना होते हैं सुंदर माता टेम्पल के लिए, और अब हम यहाँ से अलविदा कहते हैं खोड़ेश्वर महादेव मंदिर को। और क्योंकि यहाँ पे इतना ही था दिखाने के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और आप इस वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो 2 या 3 दिन में आ जाएगी सुंदर माता के टेम्पल की।